डियर स्टूडेंट एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रिग्रेसन एनालिसिस एस्टिमेशन ऑफ अ मॉडल टू वेरिएबल थ्री वेरिएबल या किस तरह हम उसको एक्सपेंड करेंगे देन द इमोर्टेंट थिंग इज के इफ यू हैव टू वेरिएबल दैन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज सेम द कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज सेम द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक योर पैरामीटर इज सेम इवन द कॉन्सेप्ट ऑफ योर एयर इज हंड्रेड परसेंट सेम अगर टू वेरिएबल है थ्री वेरिएबल है फोर वेरिएबल है जितना भी एक्सपेंड कर रहे हैं द कन्सेप्ट ऑफ रिग्रेशन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक कॉफिशेंट एरर इज सेम इवन द एक्सप्लेनेशन ऑफ आर स्केयर इज सेम जिस तरह हम टू वेरिएबल केस में आर केयर को एक्सप्लेन करेंगे इसी तरह थ्री वेरिएबल में करेंगे सेम इज़ द केस ऑफ एफ एस्टेटिस्टिक सेम इज़ द केस ऑफ टोटल सम ऑफ स्केयर इसी तरह हम लाइक uh, like, uh, आपके रेजिडुअल सम ऑफ स्केर को लेंगे इसी तरह हम एक्सप्लेन सम ऑफ स्केर को लेंगे मीन सम ऑफ स्केर को लेंगे वो 100 परसेंट सेम होगा बस आप जब मूव करेंगे फ्रॉम टू वेरिएबल टू थ्री वेरिएबल दो एस्टिमेशन टेक्निक उसमें एक माइनर सा डिफरेंस आएगा और स्पेसिफिकली एज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लाइक रिग्रेशन बाई यूजिंग मैट्रिक अप्रोच तो टू वेरिएबल केस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नो वी आर गोइंग टू डिस्कस इफ यू हैव थ्री वेरिएबल्स यू हैव लाइक वाई इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स वन प्लस बीटा थ्री एक्स टू प्लस एडटर्म या उसको के वेरिएबल तक आप एक्सपेंड करेंगे तो फिर क्या सिचुएशन होगी फार्मूले में माइनस का डिफरेंस आएगा आर स्केर के फार्मूले में थोड़ी चेंज आएगी एफ के फार्मूले में थोड़ी चेंज आएगी बाकी जो कॉन्सेप्ट है एक्सप्लेन इफ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन टू वेरिएबल केस आर स्केयर एंड थ्री वेरिएबल केस आर स्केयर द एक्सप्लेनेशन ऑफ आर स्केर इज सेम इफ़ इट सेवन जीरो पॉइंट सेवन इट मीन्स के सेवेंटी परसेंट चेंजेज इन डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ एक्सप्लेन इन द मॉडल एंड थर्टी परसेंट इज़ नॉट एक्सप्लेन इन द मॉडल इफ यू आर गोइंग टू लाइक एस्टिमेट फोर वेरिएबल केस दैन भी एक्सप्लेशन सेम होगी इफ़ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन इन टू वेरिएबल केस दैन भी एक्सप्लेनेशन सेम होगी सिर्फ एस्टिमेशन टेक्निक में थोड़ा डिफरेंस होगा उसके लिए मैं आपके साथ एक एक्जाम्पल शेयर करूंगा इस एग्जाम्पल में

In which you 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 have 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 x1 and x2, then the the value of betas, वैल्यू ऑफ बीटाव दिफ्टीवेशन है उसी तरह हमने इसको matrix approach में सबसे पहले convert कर दिया जिस तरह हमने two variable case में किया था उसमें ये जो last one वेरिएबल है ये मिस था इसी तरह अगर आपका एक और वेरिएबल एड हो जाता है तो एक्स वन के साथ एक्स टू एंड एक्स टू के साथ एक्स थ्री को हम ऐड कर देंगे X4 को कर देंगे X5 को इसको एक्सपेंड करते जाएंगे कोई नई टेक्निक यूज नहीं करेंगे सेकेंडली इसी गिवन इंफॉर्मेशन में यू कैन इजीली फाइंड वाई बार एंड यू हैव द आइडिया ऑफ वाई बार इज इक्वल टू सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन विच इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन X2 का बार इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय एन मींस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द सेम पैटर्न यू कैन फाइंड द x3 बार विच इज़ समिड बाई एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड सम ऑफ वाई माइनस वाई बार का स्केयर इसको हम वाई हर वाई वैल्यू में से उसका मीन माइनस करेंगे और उसका स्केयर रहेंगे तो आपके पास वाई माइनस वाई बार का स्केयर आ जाएगा इसी तरह एक्स टू माइनस एक्स टू बार का स्केयर आ जाएगा एक्स थ्री माइनस एक्स थ्री बार का स्केयर आ जाएगा यू हैव द लाइक मैट्रिक्स एक्स दिस इज ट्रांसपोज एक्स इन टू एक्स दिस इज बेसिकली एक्स ट्रांसपोज एंड दिस इज एक्स मैट्रिक्स इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्स ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू ये शेप आ जाएगी वेर एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सम एक्स टू सम्री एक्स टू एक्स टू स्केयर एक्स टू एक्स थ्री इसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं जिस तरह थोड़ा सा जेस्ट टू रिमाइंड यू पीपल डैट इन टू वेरिएबल केस यू हैव एक्स ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू ओनली फोर लाइक कम्पोनेट्स एंड सम ऑफ एक्स टू एक्स टू एंड एक्स टू का स्केल यहाँ से हमने बीटास की वैल्यू फाइन करें इन थ्री वेरिएबल केस यू हैव अ मैट्रिक्स ऑफ थ्री बाई थ्री इन लाइक फोर वेरिएबल केस आप इसी तरह इसको एक्सपेंड करते जाएंगे जब एक्सपेंड करेंगे तो वो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है आपके पास एक्स की और वाई की इनडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल की वहां से आप लोग इन वैल्यूज को फाइंड करते जाएंगे यू कैन ईजिली फाइंड एक्स ट्रांसपोज इन टू वाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये मैट्रिक्स आ जाएगी और आपके पास एक्स ट्रांसपोज एक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे जिसका फार्मूला यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड लाइक एक्स ट्रांसपोज एक्स का डिटर्मिनेंट इंटू एड जाइंट ऑफ एक्स ट्रांसपोज एक्स उससे हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी बाई लाइक एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ बीटाज

एंड बीटा टू जीरो पॉइंट सेवन एंड बीटा थ्री इज़ एट पॉइंट जीरो फोर उसको उस तरह आप इंटरप्रेट करते हैं हाउ मच चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल उससे डिपेंडेंट पर इम्पैक्ट पड़ेगा और इसको फर्दर हम ई एस एस कैसे फाइन करेंगे टी एस एस कैसे फ़ाइन करेंगे आर एस एस कैसे फ़ाइन करेंगे वो इसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हम आगे मूव करते हैं